तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो है अमाया होटल। तो ये है एक न्यू प्रॉपर्टी, मेरा रूम नंबर है 107। तो अभी हम एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? तो एंट्री पे ही आपको मिल जाएगा एक वार्डरोब, ठीक है। देखते हैं इस वार्डरोब में क्या है। टू हैंगर्स, स्पेस बहुत है, और टू स्लीपर्स हैं, एक शू शाइनर है, और नीचे भी काफ़ी स्पेस है शूज़ वगैरह के लिए। नेक्स्ट है ये इस तरह का स्टेज बनाया हुआ है, ये यहाँ पे हीटर भी दिया है, ये दिस इज टीवी कैबिनेट, दादा चेयर्स, ट्रिपल थ्री दबाना है, ठीक है। तो ये हमारा है एक लग्जरी रूम, ठीक है। दिस इज मी और ये है अमाया होटल जिसे बने हुए। तो ये रही हमारी बालकनी, बालकनी बंद करी, वहां रख दी मैंने अपने शूज जो कि क्योंकि बर्फ की वजह से थोड़े गीले हो गए। यहाँ पर है टू चेयर्स, वन टेबल फॉर सेटिंग, और ये देखिएगा इस व्यू, बहुत ही OMG, ये रहा व्यू। काश आज बर्फ गिर जाती, मजा आ जाता। रूम टूर में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप जैसे देख सकते हैं होटल में घुसते ही क्या होता है, सारा सामान यहाँ आ जाता है। तो यह है एक खूबसूरत सी चेयर, वो रहे पति, और यहाँ भी एक सेटिंग है। ये खा लिया हमने खाना, हमने खाया है चिकन, क्या खाया हमने? मसाला चिकन विद तवा रोटी, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत चेयर है, ये इसका आइडिया मैं अपने घर के लिए ले जा रही हूँ। दिस इज मी, अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, और मैंने ये डाल दी हैं रूम स्लीपर्स जो हमें होटल की तरफ से ही मिली हैं रूम में ऑब्वियसली। वॉशरूम बहुत खूबसूरत है, ये रहा वॉशरूम, एवरीथिंग इज क्लीन नाइस। और ये रही मैं, और हमें यहाँ पे देखिए ये रहा एक क्लीन टॉवल, एक दो टॉवल नीचे भी हैं। यहाँ पे क्या है, टू डेंटल किट्स, हमें एक शावर कैप, व्हाट इज दिस, दिस इज कोम्ब, और ये जो हर आपको अच्छे होटल में मिलते हैं, शावर जेल, बॉडी लोशन और हेयर शैम्पू, ये फेस सोप है, वन ग्लास, और यहाँ पे भी एक टॉवल है जो आई थिंक मेरे पति देव ने यूज कर लिया है। शार टॉयलेट सीट भी दिखा देती हूँ, एंड दिस इज हेयर ड्रायर, और दिस इज मिरर जिसमें पास पास दिखती हूँ। एक्चुअली ये है प्रॉपर्टी का नाम है, आपको बता देती हूँ, अमाया रिजॉर्ट्स है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ होटल पे, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ टी अपने के लिए। तो हमें मिली दो छोटी बोतलें, और ये एमिनिटीज़ जो होटल में मिलती हैं। तो यहाँ हो रहा है बॉयल वाटर, इसमें मैंने अपना कर दिया है अमूल का, सॉरी नेस्ले का एवरीडे पाउडर मिल्क ऐड, और अब मैं बनाऊँगी टी। टी ये बन गई है मेरी टी, डिप 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 टैटली टी, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ आज मैंने क्या पहना था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है H&M का ड्रेस, ये पूरा है, इसको मैं आपको बाद में फोटोग्राफ्स अपडेट कर दूँगी, ठीक है। और ये जो ओवरकोट है ये मेरी मम्मी का है, मतलब
मेरे ऑब्वियसली मेरी मम्मी का है, पर अब मैंने ले लिया है तो इसलिए मैंने पहन लिया है। चेस ची 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 चेस। तो गाइस चलिए इंजॉय करते हैं बाहर का व्यू। पतिदेव अभी काम में बहुत बिजी है, इन्होंने कहा है मुझे 3-4 घंटे आप डिस्टर्ब मत करिएगा, तो आई थॉट तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूं। गाइस तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं और मेरे पतिदेव अभी उठे हैं। हम सो गए कम से कम 3 घंटे क्योंकि हम सुबह का सफ़र बहुत लंबा करके आए थे। और अभी मैं दोबारा कर रही हूँ ब्रश 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 ब्रश। देखा देखा भाई देखा। हाँ सही है। तो हमने अपनी मिटा ली है लिपस्टिक। तो गाइस अब मैं आपको ले जा रही हूँ शाम के वक्त अपनी बालकनी दिखाने के लिए। सी दिस, बहुत ठंडा हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर कुछ भी नहीं दिख रहा, महसूस कर सकते अब ठंड को। सन्नाटा। तो हम हो चुके हैं रेडी अपने डिनर के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। और अभी कितना बजे टाइम हो रहा है बॉक्स? अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे तो हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो आपको कितनी भूख लगी है? बहुत सारी। पेटू मियां बीवी। अच्छा पेटू मियां बीवी। अच्छा अच्छा क्या है तो है। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड पेटू मियां बीवी। चलो तो गाइस अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, ठीक है? मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप वापस खोल लो। बड़े बड़े होटलों में आप आ जाओ भाई साहब। चलो ना आप आ जाओ यार पहले। तो मेरा विवाह में छाकर मेरा ये टाइम नहीं है। ये यहाँ होना चाहिए तो उधर व्यू देखते हुए खाते। व्यू कितना बाहर की है? अरे बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। बुफे तो नहीं लगा हुआ? बुफे तो है ही नहीं, बूफे नहीं। अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं लगा। आप यहाँ नहीं है? थैंक यू ये तो एक बात तो सच आप जाहिर नहीं होने देते। आपको ये चीज पता और ये चीज नहीं पता तो किसी को क्यों जाहिर होने दो? थोड़ा टहल लो। तो अब ये तो बुफे लगा नहीं कर टहलने वाला है ना। अब मैं सिर्फ टेबल शो कर देती हूँ। ब्यूटीफुल है, अच्छा है, टेबल भी अच्छे से वो करा हुआ है। टेबल भी अच्छे से वो करा हुआ है सेट मतलब। तो अभी आया है हमारे स्टार्टर पापड़ एंड चटनी। अरे सब आ जान दो। हाँ हाँ ट्राई कर लेते हैं। तो पापड़ इसलिए तो दिया है कि आपका एपेटाइट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ये खाते हुए पतिदेव पापड़ और इससे चटनी ग्रीन चटनी। हम खा रहे हैं पाप।
पापड़ एंड ग्रीन चटनी। ठीक है, थैंक यू सर। सब मैं आपको भेजता हूँ, कितना पड़ता है क्या पड़ता है। वो सीटिंग वाले हार्नेस की बजाय मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। हैं? हाँ, इसी हार्नेस में वो नहीं घूमने वाला कर दूंगा। चिकन टिक्का। ये आ चुका है मेरा फिश एंड चिप्स, मेरा क्या हमारा, तो बॉब्स खा के बताएंगे हाउ इट इज। बॉब्स हाउ इट इज, चिप्स खा के, फिश खा के बताओ ना, यू आर ईटिंग ओनली चिप्स। देयर विल बी नो स्मेल, चटनी मिला के खाओ। ठीक है, गुड। ये अच्छा है हमारा पास्ता, वो अब हम खाएंगे पास्ता। चलो बाबू आप ही टेस्ट करके बताओ। पास्ता का नाश्ता मेरी सारी वीडियो में टेस्टिंग आप ही कर रहे हो। हाउ इट इज, गुड गुड। तो ये आ गया हमारा मेन कोर्स, ये है राड़ा गोश्त, राड़ा राड़ा राड़ा। सबसे पहले ना वहाँ खाए थे रुद्रपुर में, सबसे पहले राड़ा गोश्त। और ये है गार्लिक नान ना, और हमारे पतिदेव की फरमाइश है ये, तो अभी देखेंगे कैसा टेस्ट है इसका। लग तो एपेटाइजिंग लग रहा है। चाप के अंदर चाप ही। I got melts. And last but not the least, गाजर का हलवा खाएंगे हम। गरम हो रहा है।